भाई जिस बस में हम आए, जिस शटल में हम आए भाई, उसका ड्राइवर भाई इतना ज्यादा क्रेज। गलत कर पाजी, धक्का ना करो वीर जी, धक्का ना करो। और पेमेंट ऑनलाइन स्टक हो रही थी बार बार, फिर किसी से बोल के कार्ड में ट्रांसफर करवाए, फिर जाके पेमेंट करें। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आरसी ट्रैवल्स व्लॉग्स। एंड आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से है कि मुझे जो है वो अर्जेंटली जो है वो चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, कुछ काम है और हम फटाफट निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मैं रेडी हो चुका हूँ और हम अभी देख सकते हो आप ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट के लिए, और मेरी फ्लाइट जो है वो 5 बजे के अराउंड जो है वो टेक ऑफ होगी लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए। बेचारे हमारे शीखू जो है, शीखू को अकेले छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्या करें। दिल तो नहीं करता है यार इसे छोड़ के जाने का, बट क्या करें, कुछ अर्जेंट काम है। क्या काम है वो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। फटाफट से जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी 1K कर दीजिए, सो दैट हम आपको ये रिवील कर सकें कि बेसिकली क्या सरप्राइज है। बाय लवो। मेरे टिट्टू। तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है, बैग अपना लगेज काउंटर पर दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं चेक इन कराने। फटाफट सिक्योरिटी चेक करते हैं, बिकॉज आप लोग देख सकते हो रश लग रहा है दिल्ली के लिए। सो सिक्योरिटी चेक के बाद आपसे मिलते हैं। सो यार फाइनली हम एयरपोर्ट पे आ गए थे, बट यार बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमने एक अपने भाई लोगों के साथ मिल लिया। जैसे मेरा नेचर है, टॉकेटिव नेचर है, तो मैंने एक भाई के साथ गपशप मार रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। भाई बैंगलोर जा रहे थे और हमें जाना चंडीगढ़। सो यार ये देख रहे हो रश, देख रहे हो कितना ज़्यादा है यार, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रश है भाई आजकल तो बस स्टैंड से ज़्यादा, मतलब रश एयरपोर्ट में होने लगा है। सो फाइनली बस में आ चुके हैं, दिस इज द बस। यार एक्चुअली ना थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज था, गेट नंबर 2 लिखा हुआ था टिकट पे, बट वो कह रहे 3 से ही जाना है, मैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। अच्छा हो गया मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे आ गया। सो चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, कहीं ना कहीं तो वेट कर ही रहा होगा। सो आज की हमारी जो राइड है वो है ये। सो इस एयरक्राफ्ट में आज हम जाने वाले हैं। देखो यार वैसे ऑल द टाइम और बड़ी तो हम जो है बड़ी फ्लाइट में जाते हैं, बट आज छोटी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आज एयरक्राफ्ट जो है वो छोटू है। देखो यार अब कैसा रहता, बाकी कुछ एयरपोर्ट लखनऊ का कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो आप, सनसेट टाइम हो रहा है। बड़ी छोटी छोटी सी सीढ़ियां है भाई। इट्स लाइक अ मिनी बस, मिनी नंबर कितना है, सीट नंबर इज 5A। सो चलते हैं आपसे सीट में मुलाकात करते हैं। सो फाइनली जो है हम अपनी सीट पे आ चुके हैं, और वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि आज जो है क्राफ्ट है वो छोटा है, मे भी शायद नंबर ऑफ बुकिंग्स कम होगी इसीलिए जो है वो क्राफ्ट छोटा है, और श्योर आप इस एक्सपीरियंस शेयर करेंगे छोटे क्राफ्ट का। छोटा क्राफ्ट बहुत छोटा है, सीट्स आप देख सकते हैं, बैक भी देख सकते हैं आप लोग। सो यार चलते हैं, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये उड़ेगा भी कि नहीं। बाकी देखो इसके फैंस ये लगे हुए हैं जो कि अभी उड़ने वाले हैं, घूमने वाले हैं सॉरी। और बाकी यार शिखू को भी मिस कर रहे हैं, बट क्या करें यार, जाना था मुझे, कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। ऐसे मन नहीं था लखनऊ से जाने का, बट क्या करें, जल्दी वापस आना भी है तो जल्दी जाएंगे तभी जल्दी वापस आएंगे। ये अपनी बस आ चुकी है, बस में चलते हैं। कुछ एयरपोर्ट का नज़ारा ऐसा है, दिस इज आर टुडेज राइड।
तो चलते हैं यार, कुछ ना कुछ सीन होने वाला है, लेट्स सी, आपको बताता हूँ मैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली, ये है दिल्ली डिपार्चर, और हमारे साथ जो कलोल हो चुकी है उसके बारे में हम आपको भी बताएंगे क्या कलोल होगी, बहुत टफ वाली है वाली, लेट्स सी। सो यार ये एक काउंटर होता है कि अगर लेट्स सी, अगर आप लोग जो है टर्मिनल वन में लैंड कर रहे हो और वहाँ से आपको अगर टर्मिनल टू के लिए बस लेनी है तो दिस इज दी स्पॉट, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है और आपको एक फ्री शटल मिल जाती है जिसमें आपको कोई किराया नहीं देना होता है। तो मेरे साथ यही ग्लो होगी, एक्चुअली मैंने चेक ही नहीं किया था कि लाइक मतलब कहाँ पर, मतलब मेरी कहाँ रह गई थी, मतलब मीन्स लाइक कि मेरा टर्मिनल कौन सा है, मुझे लगा वन में ही है तो मैं उसको लेके चल रहा था, बट मैंने अभी आते आते देखा कि मेरा टर्मिनल टू है, वो क्लोज होगी मेरे साथ और मेरी फ्लाइट बेटा बहुत बढ़िया भी ऑन टाइम है। और चलते हैं फटाफट शटल पे जा रहे हैं अब, ये T1 की है भैया, ये तो वन जा रही है ना, वन जा रही है ना, अच्छा 3 जा रही है, हमें 2 जाना है, सो ये जा रही है 3 और हमें जाना है टर्मिनल 2। फाइनली आ गए हैं टर्मिनल 2 में, टर्मिनल 2 पहुंचना भी नहीं अपने आप में टास्क था, कैसे बताऊं, एक खप होगी भाई। जिस बस में हम आए, जिस शटल में हम आए भाई, उसका ड्राइवर भाई इतना ज़्यादा क्रेजी, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह भगा रहा, साथ ही साथ उसने एक टैक्सी तोड़, एक टैक्सी को टक्कर मार दी हुई है भाई, बंदे खज्जल हो गए, अजीब सी चला रहा गाड़ी। एंड में कहा भाई कि आराम से चलाओ, आराम से चलाओ, ऐसा ना हो कि भाई ऊपर ही टिकट हो जाए, मेरे तो ये हो रहा था कि कब जैसे पहुँचाए, कब जैसे पहुँचाए। सो फाइनली आ गए टर्मिनल 2, अब यहाँ से अगेन यार वही रूटीन, दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक क्लियर करना पड़ेगा। चलो आपसे अंदर मिलता हूँ यार फटाफट, है ना, दोबारा से जो है स्क्रीनिंग चेक हो रही है, टिकट चेक हो रही है अंदर जाने के लिए, तो अपने पास तो बोर्डिंग पास है, हम तो डायरेक्ट जाएंगे चेक करवा के अपना, और एक आईडी प्रूफ ज़रूरी होना चाहिए। फाइनली आ चुके हैं हम अगेन सिक्योरिटी चेक में, तो सिक्योरिटी चेक जाते हैं फटाफट यार। एक तो ना गाइस सच कहूँ ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट मत करना यार, कनेक्टिंग फ़्लाइट में ना बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, खज्जल हो जाता है बहुत ज़्यादा। शुक्र करो मैं इस बार वो लेके नहीं आया था, मतलब ना ज़्यादा लगे हैंड लगे ही नहीं था मेरे पास, नहीं तो अदरवाइज भाई मेरे को बैंड लगे, बैंड बच जाती इस बारी। सो फाइनली आ गया सिक्योरिटी चेक पे, सिक्योरिटी चेक करेंगे और फटाफट चलेंगे अंदर। सो फाइनली वी आर इन टर्मिनल 2, दिस इज टर्मिनल 2, हो चुकी है स्टार्ट। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यार, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं अपना सब वे जो पैक करवा रहा था और पेमेंट ऑनलाइन स्टक हो रही थी बार बार, फिर किसी से बोल के कार्ड में ट्रांसफ़र करवाए, फिर जाके पेमेंट करें, एक बार तो ऐसा लगता है आज का दिन ही इतना ज़्यादा हसल वाला था। चंडीगढ़ जाने के लिए कितने लोग हमेशा रहते हैं, हम हर बार ही आते हैं, और कितने ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बोर्डिंग के लिए रेडी रहते हैं। सो बाकी यार आपसे चंडीगढ़ में मिलते हैं, नहीं फ्लाइट में मिलते हैं आपसे, अपना सबवे खाते हुए तक बने रहे। सो अब देख सकते हैं लाइन बहुत जाके, अब जाके जो है लाइन हुई है ख़त्म, और अब हम लेंगे फ्लाई के साथ साथ सबवे का मज़ा। सो बाय बाय दिल्ली एंड वेलकम टू चंडीगढ़। हेयर इज आर एयरक्राफ्ट, हम आ चुके हैं एयरक्राफ्ट में अपने, और अब प्रॉपर पूरा क्लीन हो रहा है, प्रॉपर पूरा क्लीन किया जा रहा है सो दैट प्रॉपर विजिबिलिटी हो सके। सो यार अपनी जो सीट है वो है बैक एंड पे, सो इसीलिए हम जा रहे हैं बैक एंड से, देख रहे हो आवाज बूम बूम बूम। चुके हैं अपने क्राफ्ट में, और अब देख सकते हो भाई क्राफ्ट चंडीगढ़ का जो है वो फुल हुआ हुआ है एकदम, पीछे भी देख सकते हो। सो यार ऑलवेज कह रहे हैं चंडीगढ़ के लिए तो फुल ही रहती है फ़्लाइट, बिकॉज बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं जो कि चंडीगढ़ के लिए जाती है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद लिमिटेड फ़्लाइट्स है, बट मैंने जब भी देखा है चंडीगढ़ की फ़्लाइट ऑलमोस्ट हमेशा फुल होती है। लेकिन हाँ एक रीज़न ये भी रहता है, जो लोग बैंगलोर से मुंबई से ट्रैवल कर रहे थे, हैव अ कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो दिल्ली से चंडीगढ़ की फ़्लाइट होती है, बिकॉज उन्हें चंडीगढ़ से जो है वो टैक्सी एंड ऑल करनी होती है, जितने भी टूरिस्ट जो है जो मनाली एंड ऑल के लिए घूमने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा आजकल स्नो हो रही है ऊपर, तो हर आदमी घूमने जा रहा है, और हम जा रहे हैं अपने घर। सो एक ख़ास आदमी आज हमें पिक करने आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे, तो चलिए मिलते हैं।
बहुत ज़्यादा है और खाली ही पड़ा है बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर ना लिमिटेड फ्लाइट्स जाती हैं और आप समझ सकते हो। अभी तो मुझे ये टेंशन पड़ी हुई है कि मेरा जो बैग है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट था तो वो आया है नहीं आया, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो लेट्स सी बात है कि नहीं, देखते हैं। नंबर पे आया है, फाइनली गॉट अ लगेज। नहीं तो चला हर बारी कहीं ना कहीं छुप जाता, आज सही हो गया, पहले नंबर पे आया है और हमें लेने कौन आया है देखते हैं। ये देखिए कौन आया हमें लेने, राठौर भाई। और कैसे हो भाई? गजब बेइज्जती है। कैसे हो? बढ़िया है। देखो भाई अपने आए हैं लेने, चलते हैं फटाफट। चंडीगढ़ आ गए हैं, धुंधुरी है, बाकी आप समझदार है। सो जी आ गए हम चंडीगढ़, ये देखो धुंध ही धुंध है चंडीगढ़ में। ये देखो बैरियर इदा लाए हुए हैं जिदा सड़ा उग्रवादी घुसन लग गया है। कब्जा लैन चले है, गलत कर भाजी, धक्का ना करो वीर जी, धक्का ना करो। सो फाइनली हम आ चुके हैं घर, ये रही हमारी सोसाइटी, हम आ चुके अपनी सोसाइटी। चलती जो ओसी में इतनी गंदगी पड़ रही है यार, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मैं क्लियर तो दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है वो ओस जो है ना। हाँ, मज़ा, लवू की बहुत याद आ रही है, लवू को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, काश वो भी मेरे साथ आ पाती। चलो थोड़ा बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं यार आपसे, है ना। ऊपर घर जाके सीधा गाइस यार, डिनर वगैरह हो गया था और घर आ गए थे, अपना सारा काम वगैरह हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया आज व्लॉग में कि फटाफट जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर करो, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, हम कुछ रिवील करने वाले हैं, कुछ लाने वाले हैं। सो यार अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रात का 1:30 बज चुका है। आपको बताइए मैं सुबह का उठा हुआ और शाम को मैं निकला हूँ फ्लाइट पे, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो चलते हैं यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके यार सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो सी यू गाइज़।